नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ मार्च माह का विश्लेषण लेकर के, क्या क्या घटित है इस मार्च में, क्या कुछ होने वाला है, क्या ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी और क्या क्या संक्रांति फल इत्यादि होंगे। वसंतोत्सव में मार्च का माह प्रारंभ हो रहा है। वहीं माह के प्रारंभ में ही यानी 4 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह संक्रांति भी आपके लिए कल्याण पर्व है, ये भी मंगल कामनाएं करते हैं। चौदह तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होली के 8 दिन होते हैं और वृंदावन मथुरा पूर्वी भारतों में उत्तर भारत में होली का जो पर्व होता है वह बड़े जोर और शोरों से मनाया जाता है। और 2 दिन यानी जिस दिन होलिका दहन होता है और जिस दिन रंग होता है, रंग खेले जाते हैं, 20 और 21 तारीख को संपूर्ण भारत में यह त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं 15 को बुध बकर अवस्था में आकर के कुंभ राशि में विराजमान होंगे। 22 मार्च को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वृष राशि में आकर गुरु के साथ सम सप्तक योग बनाएंगे। वहीं 29 मार्च को गुरु धनु राशि में यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर के शनि एवं केतु के साथ मेल करेगा और इन पर मंगल की अष्टम विशेष दृष्टि रहेगी। संपूर्ण भारतवर्ष की धरा ने इस फाल्गुन माह का देखा है। किसी फाल्गुन माह में होली भी प्रारंभ है, इसी फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि भी है, इसी फाल्गुन माह में वसंतोत्सव भी आया है। लेकिन यह फाल्गुन माह एक दृष्टि से हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ अच्छा घटित नहीं हुआ। जिस तरह से देश में देखा गया उसे देखकर बहुत दुख भी हुआ। चाहे हमारे सैन्य शक्ति को बहुत बड़ी क्षति हुई है, चाहे हमारे अन्य प्रदेशों में अग्नि इत्यादि का भय भी देखने को मिला है, सुनने को मिला है। हालांकि देशों में यह कार्य होता रहता है, लेकिन विशेषतः 14 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक जो फाल्गुन का मास था, इस मास में 5 बृहस्पति वार पड़े थे। और यदि विद्वानों की बात माने तो विद्वान कहते हैं कि यत्र मासे पंचवारः जायन्ति च बृहस्पति विग्रह पश्चिमी देशे खड्ग युद्धम च जायते। अर्थात यदि फाल्गुन के माह में 5 बृहस्पति वार पड़े, पंचवारः 5 बृहस्पति वार आते हैं, तो पश्चिमी देश हैं जो यवन देश हैं उनमें युद्ध जैसी स्थिति बनती है। वहीं कुंभस्थ सूर्य हैं, उन पर शनि की दृष्टि थी। 25 फरवरी से मीनस्थ बुध नीच अवस्था में आए तो अनेक क्षेत्रों में उथल पुथल हुई है। इस मार्च के माह में भी यदि लोग भविष्य की तरह से देखा जाए तो हमारे देश के राजनीति में, वातावरण में बहुत अनिश्चित एवं असमंजसपूर्ण रहेगा। आरोप प्रत्यारोप से भरे माहौल में मध्य देश के कुछ भागों में पुनः अग्निकांड हो सकता है, विस्फोट तथा उपद्रव हो सकते हैं। धान्य चना आदि अनाज, चंदन रुई कपास आदि महंगे हो सकते हैं।
वहीं दैनिक जनोपयोगी वस्तुएं तेल आदि की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आकाश लक्षण कहें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अत्यधिक वृष्टि अत्यधिक बारिश भी परेशानी का कारण बन सकती है, अर्थात उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि वर्षा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन विशेष सावधान हमें रहना पड़ेगा। तो मार्च का माह शुभ हो।